हे गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरा ढाबा है और यहाँ पे शूटिंग हो रही है। मेरा नाम है ध्रुव व्यास और आप देख रहे हैं DVI कौन। यहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे, वो भी फन के साथ। सो गाइस, आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, तो आज का टॉपिक ये है कि एलियंस होते हैं या नहीं, एलियन इज रियल या फेक। ठीक है, तो पहले जो लोग ऐसा बोलते हैं कि एलियन कुछ नहीं होता, वो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं एलियंस सच में होते हैं, 1% भी लगा, तो प्लीज़ चैनल को करना सब्सक्राइब और वीडियो को लेना लाइक, क्योंकि आपको यहाँ पे आपको ऐसे डेली कंटेंट मिलता रहता है। ठीक है, तो चलो बिना वक्त गए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बुशमैन कन्फेशन। गाइस, जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, बुशमैन एक ब्रिटिशर्स का नाम है जो कि एरिया 51 में काम करते थे। अब एरिया 51 वो जगह है, वो अमेरिका में आई हुई है और वहाँ पे अमेरिकन्स ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर मिसाइल और उसकी टेस्टिंग होती है, लेकिन अपने को जो सबूत मिले हैं उससे यही साबित होता है कि वहाँ पे एलियन और UFO का आना जाना रहता है। तो बुशमैन जो थे वो काम करते थे एरिया 51 में, जब उनका मौत का वक्त करीब आने लगा तब उन्होंने सारे प्रूफ्स और जो पिक्चर्स थे वो सब मीडिया के सामने लाए। आप देख सकते हो वीडियो में क्या क्या प्रूफ्स और फोटोज है, तो ये उन्होंने किया। अब कई लोग ऐसा कहेंगे कि ये तो वो पैसे कमाने के लिए कर सकते थे, लेकिन बुशमैन का जब मौत करीब आई तभी उन्होंने क्यों किया? रिटायर तो वो बहुत सालों पहले ही हो गए थे एरिया 51 से, लेकिन उन्होंने सबको सच साबित करने के लिए बोला, मतलब सब सच साबित करने के लिए बताया पिक्चर्स और वो सब। तो यही था, यही साबित करता है कि ये सब एलियन की सच पिक्चर्स है, सच्ची सब पिक्चर्स है। और ये पिक्चर्स को जो बड़े बड़े एडिटर्स होते हैं उनको भी दिखाया गया और उन्होंने बोला कि ये सारी पिक्चर्स रियल है, कोई फेक या कोई एडिटिंग नहीं की गई थी। सो गाइस, वेलकम। सो बैकग्राउंड पता है आप बोले में कितना बैकग्राउंड चेंज करता है पर क्या करें, मजबूरी है, पर कोई वांधा नहीं, ये भी अपना अच्छा खासा। वैसे बैकग्राउंड उतना ठीक नहीं है पर एडजस्ट कर लेना, क्योंकि एक दो महीने में ला दूंगा जुगाड़ करके। सो गाइस, अब आप सोच रहे हो कि ये क्या है, तो जो लोग कहते हैं कि ये माइक है, मतलब जो अरे कहना क्या चाहते हो, तो लोग अभी कहेंगे कि ये माइक है, ये माइक नहीं है, ये सिंपल सा ईयरफोन है, ये देखो ईयरफोन है। और ये काम कैसे करता है आपको देखना है, तो ये दिख रहा है, इनकी चैनल है DD टैग करके, DSIDVM नाम है इनका, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए इसके चैनल को, जाओ चेकआउट करो और ये वीडियो देखना कि कैसे हम घर बैठे ईयरफोन से जुगाड़ू माइक बना सकते हैं, वो भी ईयरफोन का काटना कुटना नहीं है, जो बिगड़ गया है मतलब जो चलता है ना अपने पता, जो यूज़ करें डेली में उससे माइक बन जाता है। ठीक है, तो जाओ चेकआउट करो और उनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं जो यूट्यूबर उनके लिए भी, और जो ऐसे ही बैठे रहे हैं कॉमन मैन उनके लिए भी। सो चलो अपने अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। नंबर 3, UFO वेव्स। गाइस, 1998 में बेल्जिया में रात को हजारों लोगों ने आसमान में UFO देखा था, हजारों लोगों ने। ठीक है, वो UFO ट्रायंगल शेप का था और उसके नीचे 3 रेड लाइट जैसा कुछ था। उसके बाद वो UFO 3-4 बार देखा गया, और जब बहुत बार UFO देखा जाने लगा तब उसकी गवर्नमेंट ने
उसके पीछे दो फाइटर जेट लगाए, ठीक है। कभी वो यूएफओ ट्रायंगल में दिखता तो कभी सर्कल में भी दिखता, मतलब कुछ फिक्स्ड शेप नहीं था। कभी ट्रायंगल में आता तो कभी जाके सर्कल में भी आ सकता था। सो एनीवेज, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने दो फाइटर जेट उसके पीछे यूएफओ के पीछे लगाए। अब मेन बात अब शुरू होती है, जब भी फाइटर जेट उस यूएफओ के ज़रा नज़दीक पहुँचते वो यूएफओ की स्पीड 240 किलोमीटर पर हवर की हो जाती और कभी कभी तो 1800 किलोमीटर पर हवर्स की भी हो जाती। अब जो लोग को अभी तक एलियन पे भरोसा नहीं आया, तो अब मैं वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो देखने के बाद आपको 100% भरोसा आ जाएगा, वो मेरी गारंटी है, ठीक है। और अगर आ जाए तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो अब जब फाइटर जेट उसके मतलब उस तक पहुंचने लगा था, अरे कहना क्या चाहते हो, मेरी हिंदी भी कैसी हो गई है, मतलब जब फाइटर जेट यूएफओ के नज़दीक पहुंचा था तो कभी यूएफओ एकदम से ऊपर चला जाता तो कभी एकदम से नीचे चला जाता। अब आप ये वीडियो क्लिप देखो, अब तो यकीन हो गया ना कि एलियन सच में होते हैं, और ये कोई बनी बनाई एडिटिंग वाली वीडियो नहीं है। इसे बहुत सारे स्पेशलिस्ट के पास भेजा गया, एडिटिंग की जो होते हैं स्पेशलिस्ट, उन्होंने बताया कि ये 100% सही सच वीडियो है। सो अब मैं क्या कहूँ, मेरे पास कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं बचे हैं। नंबर 4 गाइस, 2007 में टर्की में एक रात को ये वीडियो ली गई। अब जिसने वीडियो ली वो ऐसा बता रहे थे कि ये वीडियो मतलब ये वीडियो में यूएफओ सच में है, ठीक है। अब वीडियो तो सच है, लेकिन जो लोग बहाने बनाते हैं, जिसको मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि सच होता है फिर भी इनकार करेगी नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, वैसे लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि ये कोई शिप के ऊपरी हिस्से का पार्ट है। लेकिन जब रिसर्चर ने रिसर्च किया तब पता चला कि जो शिप होती है वो इतनी ऊंचाई तक उड़ नहीं सकती, और ये जो यूएफओ का मतलब वीडियो था उसमें यूएफओ बहुत ऊंचा उड़ रहा था और शिप तो उड़ नहीं सकती, ठीक है। सो इसको बहुत सारे एडिटर के पास भेजा गया कि प्रूफ करने के फेक है कि रियल है, तो उन्होंने भी बता दिया कि नहीं, ये 100% रियल है। सो ये अब तो यार जिसको ऐसा लग रहा था कि एलियन नहीं होते उनको अब तो पता चल गया कि एलियन होते हैं, ठीक है। तो अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि इतने में आपको यकीन आ गया होगा कि एलियन 100% होते हैं, और वो कब आके कब चले जाते हैं वो पता नहीं होता है, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही है, ठीक है। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो फैक्ट प्लस फन इस चैनल पर मिलता है, वो भी डेली। और क्या चाहिए जीने के लिए, पानी खाना वो सब तो चाहिए, पर थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए, देखो आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है और आपको फैक्ट भी मिल जाती है। तो बस मैं मेहनत करता रहता हूँ, ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, और आप लाइक करते रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा,
ताकि जो गलत फैमिली है लोगों के दिमाग में कि नहीं होता है, एलियन नहीं होता है, वो दूर हो जाए। ठीक है, सो बस इस आज के लिए इतना ही, और डीडी टेक को भी सब्सक्राइब कर देना, वो भी बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं। ठीक है, सो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कैमरा गिर गया था, सो चलो एंड करते हैं, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, तम बाय बाय, टाटा गुड बाय, गया।